हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद आईएएस में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सभी एजुकेशनल अपडेट लगातार प्रोवाइड की जाती है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एजुकेशनल न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहली अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, मौका जेईई मेन के लिए 24 तक फिर आवेदन खुले। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मेन में पंजीकरण के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। दरअसल बड़े पैमाने पर छात्र अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते छात्रों ने इस बार अपना इरादा बदल दिया। इसलिए जो छात्र आवेदन के इच्छुक हैं वे 24 मई तक परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। छात्रों का आग्रह मिलने पर सरकार ने लिया ये फैसला। महामारी के कारण विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या घटी। दूसरी बड़ी अपडेट आप यहां यूपी बोर्ड से संबंधित देख सकते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं में से निकले 100 और 50 रुपये के नोट। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मंगलवार से 5 केंद्रों पर शुरू हो गया है। करीब 2 माह बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो रहा है। पहले दिन केंद्रों पर 19 से अधिक शिक्षक पहुंचे। शिक्षकों को सैनिटाइज कराने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की गई। पहले दिन उत्तर पुस्तिकाओं से 100 और 50 रुपये के नोट निकलने लगे। वहीं शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ऑनलाइन शिक्षा पर छात्रों से संवाद करेगा विश्वविद्यालय। कौन सी यूनिवर्सिटी की न्यूज है आप यहां स्क्रीन पर देख सकते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ है। इसके साथ ही परीक्षा पर चर्चा के लिए छात्रों से संवाद करेगा। 26 मई को ऑनलाइन आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आवासीय परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थी पंजीकरण से प्रतिभाग कर सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन आपको किस टाइप से करना है, यहाँ पर ये लिंक दी गई है, आप इसके माध्यम से प्रतिभाग कर सकते हैं। अगली अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जून में निकलेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का यहाँ पर कहना, तो जो स्टूडेंट्स भी यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं यानी कि अपनी 10th और 12th क्लास के रिजल्ट का भी सभी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें अभी जून का वेट करना होगा। इसके साथ ही प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको देख सकते होंगे, फीस न बढ़ाने के आदेश पर हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है। महाधिवक्ता को नोटिस, 3 सप्ताह में जवाब देना होगा। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस न बढ़ाने के राज्य सरकार के आदेश को प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की है। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है व महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे, गरीब सवर्ण आरक्षण न देने का लगा रहे आरोप। जी हाँ दोस्तों, अगली अब जो अपडेट है ये यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 से रिलेटेड है। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% आरक्षण न देने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के तहत आरक्षण न लिया हो उनको सरकारी विभाग में होने वाली नियुक्तियों और शैक्षिक संस्थानों में निर्धारित छात्रों की सीटों पर 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, फैसला मेरठ में खुलेगा राज्य खेल विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य खेल विश्वविद्यालय अब मेरठ में खुलेगा। इसके लिए मेरठ के शताब्दी नगर में करीब 25 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार ने मेरठ में यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला इसी माह की शुरुआत में किया था। बात करते हैं अगली अपडेट के। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, अगली अपडेट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद के स्टूडेंट्स के लिए, कॉपियों के मूल्यांकन में तेज़ी आ गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी आवासीय परिसर स्थित गांधी भवन के हॉल में मुख्य परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगभग 12वें दिन भी जारी रहा है। अब मूल्यांकन कार्य में तेजी आ गई है क्योंकि 44 परीक्षकों से बढ़ाकर मूल्यांकन के लिए 63 परीक्षक लगाए गए हैं। सभी तक विभिन्न विषयों के परीक्षकों की ओर से लगभग 50,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अगली अपडेट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है, राहत 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। देश भर में लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रेलवे 1 जून से समय सारणी के हिसाब से रोजाना 200 गैर वातानुकूलित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन करेगा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जून से चलने वाली गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेनों के लिए बुकिंग ऑनलाइन तरीके से होगी। हर कोई इस सेवा का लाभ ले सकेगा। इसके लिए रेलवे तुरंत प्रभाव से रोज 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। रेल मंत्री ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे अपने स्थान पर ही बने रहें, बहुत जल्द रेलवे उन्हें घर तक पहुंचा देगा। अभी रेलवे 15 जोड़ी विशेष एसी ट्रेनों का संचालन देश के प्रमुख शहरों के बीच कर रहा है। ये ट्रेनें 12 मई से शुरू की गई, इनमें भी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। इसके साथ ही अगली वाली अपडेट यहाँ पर पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट्स के लिए। पॉलिटेक्निक में 25% पढ़ाई अब ऑनलाइन होगी। यूपी की सभी पॉलिटेक्निक में 25% पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। AICTE के निर्देश को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने मान लिया है। शासन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। CSJMU में आज से नहीं शुरू होगा मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में मूल्यांकन 20 मई बुधवार से शुरू नहीं होगा। कोटा के अध्यक्ष डॉक्टर VD पांडे और कानपुर विश्वविद्यालय सोवित पोषित शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश यादव के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी फिलहाल मूल्यांकन शुरू न कराने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने बताया कि मूल्यांकन शुरू कराने से पहले पूरा भवन सैनिटाइज कराया जाएगा, साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचाव की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहां पर आप देख सकते होंगे। पॉलिटेक्निक में आवेदन के लिए आज अंतिम मौका है, बढ़ सकती है प्रवेश परीक्षा की तिथि। जो स्टूडेंट्स भी पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आज पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय को जगह परीक्षा की आस। और आज की जो न्यूज है ये CCSU मेरठ से, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। जी हाँ दोस्तों, CBSE में बची परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने और पी बोर्ड का मेरठ सहित सभी जिलों में मूल्यांकन शुरू होने के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को भी उम्मीद जग गई है। विश्वविद्यालय की जून में परीक्षाएं कराने की तैयारी है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे विश्वविद्यालय की जून में परीक्षाएं कराने की जो तैयारी है, जबकि मूल्यांकन के लिए अनुमति पत्र मेरठ सहारनपुर मंडल के आयुक्तों के पास लंबित है।